आज गुल्ली बुल्ली और शोन अपने घर के सामने बैठकर टीवी देख रहे थे। गुल्ली बुल्ली और शोन लल्लू राम के समोसे और साथ में क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे थे, लेकिन शोन को क्रिकेट देखना बिल्कुल भी नहीं पसंद। शोन को मोटू पतलू कार्टून देखना है। शोन गुल्ली और बुल्ली से कहता है कि तुम लोग जल्दी से मेरा फेवरेट कार्टून मोटू पतलू लगाओ। ये सुनकर गुल्ली टीवी चैनल बदलकर शोन का फेवरेट शो मोटू पतलू लगा देता है। ये देखकर शोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इधर बाबा बादल पर बैठकर गुल्ली बुल्ली के घर पर जा रहे हैं। बाबा के साथ उनका भांजा टीनू भी है। दरअसल आज बाबा गुल्ली बुल्ली शोन और अपने भांजे टीनू को अपने साइंटिस्ट दोस्त के पास ले जाने वाले हैं, क्योंकि बाबा के साइंटिस्ट दोस्त ने एक नया रोबोट बनाया है। बाबा गुल्ली बुल्ली शोन और अपने भांजे को वो रोबोट दिखाने ले जाने वाले हैं। थोड़ी ही देर में बाबा और उनका भांजा गुल्ली बुल्ली के घर पर पहुंच जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और शोन बाबा और उनके भांजे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा और उनका भांजा बादल से नीचे उतरते हैं। बाबा और उनका भांजा गुल्ली बुल्ली और शोन के पास आते हैं। गुल्ली बाबा से पूछता है कि बाबा, आप और आपका भांजा इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? बाबा कहते हैं कि मेरे एक साइंटिस्ट दोस्त ने एक बहुत खतरनाक रोबोट बनाया है, चलो मैं तुम सभी को वो रोबोट दिखा कर लाता हूँ। गुल्ली बुल्ली और शोन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं सभी लोग बादल के ऊपर बैठ जाओ। गुल्ली बुल्ली शोन बाबा और बाबा के भांजे आकर बादल पर बैठ जाते हैं। बाबा बादल को उड़ाते हैं और अपने साइंटिस्ट दोस्त के पास ले जाने लगते हैं। काफी देर सफर करने के बाद सभी लोग बाबा के साइंटिस्ट दोस्त के घर पर पहुंच जाते हैं। बाबा बादल को नीचे उतारते हैं। सभी लोग बादल से नीचे उतरते हैं। गुल्ली बुल्ली शोन बाबा और भांजे बाबा के साइंटिस्ट दोस्त के पास आते हैं। साइंटिस्ट दोस्त बाबा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, कैसे हो मेरे दोस्त, बहुत सालों बाद तुमसे मिलना हुआ। बाबा के साइंटिस्ट दोस्त कहते हैं, मैं बहुत बढ़िया हूँ। बाबा कहते हैं, ये मेरे दोस्त गुल्ली बुल्ली और शोन हैं, और ये मेरा भांजा टीनू है। बाबा गुल्ली बुल्ली शोन और टीनू को बताते हैं कि ये मेरा दोस्त डॉक्टर झटका है, ये इस शहर का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है और ये ऊट पटांग एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तभी टीनू बोलता है कि साइंटिस्ट अंकल, जल्दी से हमें अपना रोबोट दिखाओ। डॉक्टर झटका बोलते हैं, सभी लोग मेरे साथ आओ। डॉक्टर झटका सभी लोगों को अपने नए बनाए हुए रोबोट के पास लेकर आते हैं। डॉक्टर झटका सभी लोगों से बोलते हैं कि ये मेरा सबसे एडवांस रोबोट है। टीनू बोलता है, साइंटिस्ट अंकल, जल्दी से इस रोबोट को ऑन करो, मुझे देखना है ये रोबोट काम कैसे करता है। डॉक्टर झटका अपनी पॉकेट से एक रिमोट निकालते हैं और टीनू से कहते हैं कि ये रोबोट इस रिमोट से स्टार्ट होगा। अभी डॉक्टर झटका इतना बोल ही रहे थे, तभी शोन दौड़ कर आता है और डॉक्टर झटका के हाथ से वो रिमोट ले लेता है। शोन उस रिमोट का ऊट पटांग बटन दबाने लगता है, तभी अचानक से वो रिमोट ब्लास्ट हो जाता है और दूर जाकर गिरता है। अरे लेकिन ये क्या, ये रोबोट को क्या हो रहा है, लगता है रोबोट खराब हो चुका है। थोड़ी ही देर में वो रोबोट स्टार्ट हो जाता है। गुल्ली बुल्ली शोन और बाबा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर झटका सभी लोगों से कहते हैं कि लगता है ये रोबोट खराब हो चुका है, अब इसका रिमोट भी टूट गया है, अब ये बंद भी नहीं हो सकता। अभी डॉक्टर झटका इतना बोल ही रहे थे, तभी वो रोबोट डॉक्टर झटका को एक किक मारता है, जिससे डॉक्टर झटका दूर जाकर गिरते हैं। गुल्ली बुल्ली शोन बाबा और टीनू ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो रोबोट अचानक से बाबा के ऊपर भी हमला करता है, जिससे बाबा दूर जाकर गिरते हैं। है इस रोबोट के अंदर कोई शैतानी शक्ति आ गई है, जिससे ये रोबोट अब शैतान बन चुका है। डॉक्टर झटका और बाबा को मारने के बाद वो रोबोट टीनू की तरफ बढ़ रहा है। लगता है अब गुल्ली बुल्ली शोन और टीनू नहीं बचेंगे। अरे ये क्या, ये तो बाबा हैं। बाबा होश में आ गए हैं। बाबा ने उस रोबोट के हमले को रोक लिया है। अरे
ये क्या, बाबा ने तो रोबोट को उठाकर दूर फेंक दिया। बाबा रोबोट से कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे दोस्तों का बाल भी बाका नहीं कर सकते। तभी वो रोबोट उठता है और अपनी मिसाइल से सबके ऊपर हमला करता है। सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं और वो रोबोट वहाँ से उड़कर भाग जाता है। थोड़ी ही देर में सभी लोगों को होश आता है। सभी लोग उठते हैं। बाबा डॉक्टर झटका से पूछते हैं कि वो रोबोट कहाँ गया। डॉक्टर झटका बाबा से बोलते हैं कि उस रोबोट को जल्दी रोकना होगा, वरना वो रोबोट पूरे शहर को बर्बाद कर देगा, क्योंकि उस रोबोट के अंदर कोई शैतानी शक्ति आ गई है। बाबा कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि वो रोबोट है कहाँ। डॉक्टर झटका बोलते हैं कि मेरे पास उस रोबोट का लोकेशन है, रुको मैं उस रोबोट का लोकेशन पता करता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर झटका उस रोबोट का लोकेशन निकालते हैं। डॉक्टर झटका ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। डॉक्टर झटका बाबा से कहते हैं कि वो रोबोट एलियन की गुफा में गया है, लगता है वो रोबोट वहाँ जाकर कई सारे जॉम्बीज एलियन को बुला रहा है। हमें जल्दी उस रोबोट को रोकना होगा, अगर एक बार इस दुनिया में जॉम्बी एलियन आ गए तो इस दुनिया को उन जॉम्बी एलियन और उस रोबोट से बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। बाबा कहते हैं कि हम लोग मिलकर उस रोबोट को रोकेंगे, चलो सभी लोग बादल के ऊपर बैठ जाओ। साइंटिस्ट अंकल बाबा से कहते हैं कि मेरे पास आपके बादल से भी फास्ट कार है, ये देखो ये है एक फ्लाइंग कार। सभी लोग आकर फ्लाइंग कार पर बैठ जाओ। गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा टीनू और डॉक्टर झटका आकर फ्लाइंग कार पर बैठ जाते हैं। डॉक्टर झटका फ्लाइंग कार को उड़ाकर उस एलियन वाली गुफा की तरफ ले जाने लगते हैं। रास्ते में उन लोगों को दिखता है कि उस रोबोट ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है। बाबा कहते हैं कि उस रोबोट को जल्दी रोकना होगा, इससे पहले वो ऐसे कर पूरे दुनिया को बर्बाद कर दे। सभी लोग फ्लाइंग कार पर बैठकर उस रोबोट के लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहां आते ही उन्होंने देखा कि उस रोबोट ने अपनी एलियन सेना को बुला लिया है। डॉक्टर झटका और बाबा ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। डॉक्टर झटका बाबा से कहते हैं कि अब इस दुनिया को कोई भी नहीं बचा सकता, ये रोबोट और ये एलियन मिलकर इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। तभी उन UFO से एक एक कर बहुत सारे एलियन बाहर आने लगते हैं। बुल्ली और शॉन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। डॉक्टर झटका कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे UFO आ रहे हैं, वो रोबोट उस गुफा के अंदर से बहुत सारे एलियंस को बुला रहा है, हमें जल्दी ही उसे रोकना होगा। लेकिन उस गुफा के अंदर जाकर उस रोबोट को रोकेगा कौन। तभी बाबा कहते हैं कि डॉक्टर झटका तुम चिंता मत करो, उस रोबोट को रोकने के लिए यहाँ एक सुपर हीरो बैठा है। डॉक्टर झटका कहते हैं कि कौन है वो सुपर हीरो। बाबा कहते हैं कि वो सुपर हीरो मेरा छोटा भांजा चीनू है। बुल्ली बुल्ली और शॉन ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि हाँ मेरा भांजा एक सुपर हीरो है। बाबा चीनू से कहते हैं कि चीनू अब टाइम आ गया है कि तुम अपने सुपर हीरो अवतार में आ जाओ, हम लोगों को मिलकर उस रोबोट और इन एलियंस को रोकना होगा, मामू आप जैसा कहें। देखते ही देखते चीनू अपने सुपर हीरो अवतार में आ जाता है। बुल्ली बुल्ली और शॉन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके हैं। बाबा चीनू से कहते हैं कि तुम गुफा के अंदर जाकर उस रोबोट को और UFO बुलाने से रोको, हम लोग नीचे जाकर इन एलियंस को रोकते हैं। चीनू कहता है कि ठीक है मामू जैसा आप बोले। चीनू उड़कर उस गुफा के अंदर चला जाता है। डॉक्टर झटका अपनी कार को नीचे उतारते हैं। सभी लोग कार से बाहर आते हैं। डॉक्टर झटका अपनी बॉम्बास्टिक गन को निकालते हैं और गुल्ली बुल्ली शॉन को दे देते हैं। डॉक्टर झटका गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं कि तुम लोगों को उन एलियंस को यहाँ से आगे बढ़ने से रोकना होगा, वरना वो एलियंस पूरे शहर को बर्बाद कर देंगे। इधर बाबा एक्सट्रीम मोड में आ रहे हैं। अरे ये क्या, बाबा तो एक्सट्रीम मोड में आ गए हैं।
टुल्ली बुल्ली शॉन डॉक्टर झटका और बाबा मिलकर एक एक कर उन एलियंस को मार रहे हैं। इधर चीनू उस गुफा के अंदर आ गया है। गुफा के अंदर आते ही चीनू देखता है कि वो रोबोट बहुत सारे एलियंस यूएफओ को बुला रहा है। चीनू कहता है कि ए रोबोट इधर देख। ये सुनकर रोबोट पीछे मुड़कर देखता है। रोबोट चीनू को देखकर भड़क जाता है। रोबोट अपनी मिसाइल से चीनू के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन चीनू उस रोबोट के हमले से बच जाता है। चीनू उड़कर आता है और उस रोबोट को एक पंच मारता है। रोबोट वहीं गिर जाता है। चीनू अपनी पावर से उस कंप्यूटर को बर्बाद कर देता है। कंप्यूटर बर्बाद होते ही वहां एलियंस के यूएफओ आना बंद हो जाते हैं और बाकी के बचे हुए यूएफओ वहां से वापस लौट जाते हैं। इधर रोबोट देखता है कि उसका कंप्यूटर बर्बाद हो गया है। ये देखकर रोबोट बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो रोबोट अपनी मशीन गन निकालकर चीनू के ऊपर हमला करने लगता है। चीनू अपना पावर शील्ड से उस रोबोट के मशीन गन की गोलियों को रोकता है, लेकिन लगता है चीनू इस हमले को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। अरे ये क्या, ये शील्ड तो टूट गया। वो रोबोट आता है और चीनू को एक पंच मारता है, जिससे चीनू उस गुफा से बाहर आकर गिरता है। बुल्ली बुल्ली शॉन डॉक्टर झटका और बाबा देखते हैं कि चीनू गुफा से बाहर आकर गिरा है और बेहोश हो गया है। सभी लोग दौड़कर चीनू के पास जाने लगते हैं। वहां आकर उन्होंने देखा कि चीनू को बहुत ज्यादा चोट लगी है। लेकिन तभी वो रोबोट भी उस गुफा से बाहर आ जाता है। बुल्ली शॉन बाबा और डॉक्टर झटका ने देखा कि वो रोबोट गुफा से बाहर आ गया है। बाहर आकर वो रोबोट एलियन से बोलता है कि तुम लोग जाकर शहर पर हमला करो, जो भी जिंदा दिखे उसे भी पकड़कर एलियन बना दो। एलियंस ये सुनकर दौड़कर शहर की तरफ जाने लगते हैं। वो रोबोट भी वहां से भागकर चला जाता है। डॉक्टर झटका बाबा से कहते हैं कि हम लोग एलियंस को रोकने में नाकामयाब रहे, अब वो एलियंस शहर में तबाही मचाएंगे और पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। बाबा कहते हैं कि चीनू को बहुत ज्यादा चोट लगी है, हमें सबसे पहले चीनू को बचाना होगा। सभी लोग कार पर बैठो, सभी लोग मेरे घर चलते हैं, वहां मैं जादुई पत्थर से चीनू को ठीक कर दूंगा। सभी लोग आकर फ्लाइंग कार पर बैठते हैं। बुल्ली बुल्ली शॉन डॉक्टर झटका और बाबा चीनू को लेकर बाबा के घर की तरफ जाने लगते हैं। सभी लोग बाबा के घर पर पहुंचते हैं। बाबा घर के अंदर जाते हैं और अपने जादुई पत्थर को लेकर बाहर आते हैं। बाबा जादुई पत्थर से चीनू का इलाज करने लगते हैं। देखते ही देखते चीनू वापस से ठीक हो जाता है। बुल्ली बुल्ली और शॉन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में चीनू को होश आ जाता है। चीनू बाबा से कहता है कि बाबा वो रोबोट कहाँ गया। बाबा कहते हैं कि वो रोबोट और एलियन शहर में तबाही मचा रहे हैं, उस रोबोट ने तुम्हें मारकर बेहोश कर दिया था। चीनू कहता है कि बाबा जल्दी चलिए, हमें उस रोबोट को रोकना होगा। बाबा कहते हैं हाँ चीनू जल्दी शहर की तरफ चलो, हमें उस रोबोट और एलियंस को रोकना होगा। सभी लोग आकर कार पर बैठते हैं। बाबा चीनू से कहते हैं कि चीनू जल्दी आओ कार पर बैठो। चीनू कहता है कि नहीं बाबा, मैं आप लोगों से पहले शहर में पहुंचता हूं। चीनू अपने जेट पैक से उड़कर शहर की तरफ चला जाता है। बुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और डॉक्टर झटका शहर की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोग शहर में पहुंचते हैं। वहां आकर उन्होंने देखा कि एलियंस और रोबोट ने मिलकर पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने देखा कि चीनू एक एक कर सारे एलियंस को मार रहा है। बाबा कहते हैं कि जल्दी चलो, हमें सभी एलियंस को रोकना है। डॉक्टर झटका कार को नीचे उतारते हैं। सभी लोग कार से नीचे आते हैं।
बाबा गुल्ली बुल्ली और डॉक्टर झटका से कहते हैं कि तुम लोग बॉम्बास्टिक गन को लेकर उस तरफ जाकर सारे एलियंस को एक एक कर कर मार दो, मैं और चीनू जाकर उस रोबोट का मुकाबला करते हैं। ठीक है बाबा। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली शोन और डॉक्टर झटका आगे बढ़ते हैं और बाबा उड़कर चीनू के पास आते हैं। बाबा आकर चीनू से कहते हैं कि चीनू चलो जल्दी से उस रोबोट को रोकते हैं। बाबा और चीनू उड़कर उस रोबोट के पास आते हैं। बाबा उस रोबोट से कहते हैं कि ए रोबोट, हिम्मत है तो हमसे मुकाबला करके दिखा। ये सुनकर वो रोबोट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अचानक से वो रोबोट अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ कई सारे हल्क को बुला लेता है। बाबा और चीनू इतने सारे हल्क को देखकर डर जाते हैं। चीनू बाबा से कहता है कि बाबा हम इतने सारे हल्क का मुकाबला कैसे करेंगे। बाबा कहते हैं कि चीनू मेरे पास एक आइडिया है, तुम जाकर रोबोट का ध्यान भटकाओ, मैं इन चारों हल्क से अकेले ही निपट लेता हूँ। ठीक है बाबा। इतना कहकर चीनू रोबोट के पास चला जाता है। ए रोबोट इधर देख, चीनू रोबोट को चिढ़ाने लगता है। ये देखकर रोबोट बहुत ज्यादा भड़क जाता है। रोबोट चीनू का पीछा करने लगता है। रोबोट के वहां से जाते ही बाबा चारों हल्क के सामने आ जाते हैं। सारे हल्क बाबा को देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। बाबा कहते हैं हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखाओ। ये सुनकर सारे हल्क और भी भड़क जाते हैं। सारे हल्क एक साथ बाबा को मारने आगे बढ़ते हैं। चारों हल्क को एक साथ अपने तरफ आते हुए देखकर बाबा कहते हैं चीटिंग मत करो, हिम्मत है तो एक एक करके आके लड़ो। बाबा ने एक एक कर सारे हल्क को मार दिया। सारे हल्क को मारने के बाद बाबा देखते हैं कि रोबोट ने चीनू को पकड़ लिया है। बाबा देखते हैं कि रोबोट चीनू को खाने की कोशिश कर रहा है। तभी बाबा उड़कर जाते हैं और उस रोबोट को एक पंच मारते हैं। पंच लगते ही रोबोट चीनू को छोड़ देता है। चीनू बाबा से कहता है कि बाबा इस रोबोट को हराना बहुत ही मुश्किल है, यह रोबोट बहुत शक्तिशाली है, इसको हमारी शक्तियां नहीं रोक सकती। पायलट वो रहा रोबोट, उस रोबोट पे मिसाइल से हमला करो। बाबा और चीनू अभी बातें कर रहे थे तभी वहां रोबोट को रोकने आर्मी वाले आ जाते हैं। कमांडो ने रोबोट के ऊपर आरपीजी गन से हमला किया लेकिन रोबोट को उस हमले से कुछ असर नहीं हुआ। रोबोट ने अपनी शक्तियों से हेलीकॉप्टर पर हमला किया जिससे वो हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगा। चीनू हमें जल्दी डॉक्टर झटका के पास जाना होगा और उनसे पूछना होगा कि हम लोग इस रोबोट को कैसे रोक सकते हैं। बाबा और चीनू उड़कर डॉक्टर झटका के पास जाने लगते हैं। बुल्ली बुल्ली शोन और डॉक्टर झटका चारों तरफ से ज़ॉम्बीज से घिरे हुए हैं। तभी उन्होंने अपने बॉम्बास्टिक गन से सारे ज़ॉम्बीज को मार डाला। अभी ये लोग ज़ॉम्बीज को मार ही रहे थे तभी वहां बाबा और चीनू आ जाते हैं।
बाबा डॉक्टर झटका के पास आते हैं। बाबा डॉक्टर झटका से पूछते हैं कि उस रोबोट को आखिर रोके कैसे, उस रोबोट पे कुछ असर नहीं कर रहा, वो रोबोट बहुत शक्तिशाली है। डॉक्टर झटका कहते हैं कि उस रोबोट को रोकना बहुत ही मुश्किल है, अगर उस रोबोट को रोकना है तो हमें उस रोबोट पे सुपर आरपीजी गन से हमला करना होगा। लेकिन वो सुपर आरपीजी गन यहाँ नहीं है, वो गन एक गुफा के अंदर रखी है और उस गन की रखवाली एक खतरनाक मॉन्स्टर करता है जिसको हरा कर उस गन को पाना नामुमकिन है। बाबा कहते हैं, डॉक्टर झटका तुम चिंता मत करो, मैं उस मॉन्स्टर को हरा कर वो गन लेकर आता हूँ। वो गन किस गुफा में रखी है? वो सुपर आरपीजी गन डकैतीपुर की लावा वाली गुफा में रखी है। बाबा कहते हैं कि मैं उस गन को लेकर आता हूँ, तब तक तुम लोग इन सारे ज़ॉम्बीज को मारो। चीनू कहता है कि बाबा मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। बाबा कहते हैं, चीनू तुम तब तक जाकर उस रोबोट का मुकाबला करो, वरना वो रोबोट पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। ठीक है बाबा, जैसा आप बोले। बाबा उड़कर डकैतीपुर की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बाबा डकैतीपुर की गांव में पहुंच जाते हैं। बाबा नीचे उतरते हैं। बाबा वहां आकर देखते हैं कि इस पूरे गांव में चारों तरफ सन्नाटा है और इस गांव में एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा। तभी वहां बाबा को एक इंसान दिखाई देता है। बाबा उसके पास आते हैं। बाबा उससे पूछते हैं, भाई साहब क्या आपको पता है कि वो लावा वाली गुफा किधर है? तुम कौन हो और लावा वाली गुफा में क्यों जाना चाहते हो? वो लावा वाली गुफा बहुत खतरनाक है, आज तक जो भी उस गुफा में गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। कई लोग कहते हैं कि उस गुफा में एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि एक बंदूक की रखवाली कर रहा है, लेकिन उस मॉन्स्टर को हराना बहुत ही मुश्किल है। जो भी उस लावा वाली गुफा में जाता है वो मॉन्स्टर उसे जिंदा खा जाता है। बाबा कहते हैं कि मुझे कैसे भी कर उस मॉन्स्टर को हरा कर उस बंदूक को पाना है, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो वो रोबोट पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। वो गुफा इस जंगल के अंदर है। ये सुनकर बाबा उस जंगल के अंदर जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बाबा उस गुफा के सामने आ जाते हैं। गुफा के सामने आकर बाबा ने देखा कि उस गुफा की रखवाली तो कोई मॉन्स्टर नहीं कर रहा है, लेकिन उस बूढ़े अंकल ने बताया था कि इस गुफा की रखवाली एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर करता है। बाबा को लगा कि यही सही मौका है गुफा के अंदर जाकर उस आरपीजी गन को चुराने का। यही सोचकर बाबा गुफा की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन बाबा को नहीं पता था कि वो मॉन्स्टर पेड़ के ऊपर छिपा हुआ है। बाबा जैसे ही गुफा के अंदर जाने वाले होते हैं, वो मॉन्स्टर बाबा के सामने आ जाता है। ये देखकर बाबा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो मॉन्स्टर बाबा से कहता है कि तुम कौन हो और इस गुफा के अंदर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बाबा कहते हैं कि मुझे इस गुफा में से सिर्फ वो आरपीजी बंदूक लेनी है जिससे मैं रोबोट का खात्मा कर सकूं। आज तक इस गुफा के अंदर कोई नहीं गया और अगर किसी ने भी इस गुफा के अंदर जाने की कोशिश की है तो मैं उसे जिंदा खा गया हूँ। अगर तुम्हें इस गुफा के अंदर जाना है तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे लड़ना होगा। ये सुनकर बाबा भड़क जाते हैं। बाबा कहते हैं कि तू कौन होता है मुझे इस गुफा के अंदर जाने से रोकने वाला? अभी बाबा इतना बोल ही रहे थे तभी वो मॉन्स्टर बाबा को मारता है जिससे बाबा दूर जाकर गिरते हैं। बाबा उठते हैं। बाबा सोचते हैं ये मॉन्स्टर तो बहुत खतरनाक है, इससे लड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। बाबा देखते हैं कि वो मॉन्स्टर दौड़कर बाबा की तरफ ही आ रहा है। तभी बाबा को एक आइडिया आता है। बाबा अपनी जादुई शक्तियों से मॉन्स्टर के रास्ते में एक लावा का तालाब बना देते हैं। वो मॉन्स्टर दौड़कर आता है और उस तालाब में गिर जाता है और वहीं जलकर भस्म हो जाता है। ये देखकर बाबा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा दौड़कर उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बाबा उस गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर आते ही बाबा ने देखा कि वो आरपीजी बंदूक गुफा के अंदर रखी हुई है। बाबा दौड़कर उस बंदूक की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन बाबा को पता नहीं था कि उस बंदूक की रखवाली कुछ और भी मॉन्स्टर्स कर रहे हैं। अरे ये क्या, ये तो टाइगर मॉन्स्टर्स हैं। बाबा उन टाइगर मॉन्स्टर्स को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन बाबा अभी भी बहुत गुस्से में हैं। बाबा एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं। और एक एक कर उन दोनों टाइगर मॉन्स्टर्स को मारते हैं।
टाइगर मॉन्स्टर्स को मारने के बाद बाबा उस आरपीजी गन के पास आते हैं। बाबा उस आरपीजी गन को उठाते हैं और उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। बाबा उस बंदूक को लेकर उड़कर शहर की तरफ जाने लगते हैं। इधर शहर में गुल्ली बुल्ली और चीनू मिलकर जॉम्बीज और रोबोट का मुकाबला कर रहे हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन और डॉक्टर झटका मिलकर जॉम्बीज को मार रहे हैं और इधर चीनू रोबोट का मुकाबला कर रहा है। चीनू दौड़कर आता है और रोबोट को एक किक लगाता है जिससे रोबोट दूर जाकर गिरता है। मार खाकर रोबोट को बहुत गुस्सा आ जाता है। रोबोट उठता है। रोबोट चीनू से कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब तू देख। इतना कहकर रोबोट चीनू की तरफ दौड़कर आने लगता है। चीनू लेजर से रोबोट के ऊपर हमला करता है लेकिन वो लेजर रोबोट के ऊपर काम नहीं कर रही। चीनू बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ बाबा आरपीजी मिसाइल लॉन्चर को लेकर पहुँच जाते हैं। रोबोट की नज़र बाबा के ऊपर पड़ती है। रोबोट बाबा के हाथ में आरपीजी मिसाइल लॉन्चर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। रोबोट बाबा से कहता है, वो मिसाइल लॉन्चर तुझे कहाँ से मिली? बाबा कहते हैं, उसकी चिंता तू मत कर और ये ले। अभी बाबा रोबोट को आरपीजी मिसाइल लॉन्चर से मारने वाले होते हैं। तभी रोबोट बहुत ज्यादा डर जाता है। रोबोट कहता है, मुझे मारने से पहले इन लोगों का मुकाबला कर लो। तभी रोबोट अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ कई सारी ममीज को बुला देता है। इधर बाबा मिसाइल लॉन्चर से रोबोट की तरफ हमला करते हैं लेकिन जब तक वो मिसाइल रोबोट के पास पहुंच पाती, वो रोबोट वहां से गायब हो जाता है। बाबा और चीनू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी चीनू की नज़र रोबोट के बुलाए हुए ममीज पे पड़ी। चीनू कहता है, वो रोबोट इतनी सारी ममीज को बुलाकर किधर गया? बाबा कहते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता है। बाबा और चीनू नीचे आते हैं। उन्होंने देखा कि वो सारी ममीज इनकी तरफ दौड़कर आ रही हैं। बाबा उस मिसाइल लॉन्चर से सारी ममीज को एक साथ में ही मार देते हैं। बाबा चीनू से कहते हैं कि हमें जल्दी उस रोबोट को ढूंढ कर मारना होगा, जल्दी डॉक्टर झटका के पास चलो। बाबा और चीनू डॉक्टर झटका के पास आते हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन और डॉक्टर झटका बाबा को देखकर बाबा से पूछते हैं, बाबा आपको वो मिसाइल लॉन्चर तो मिल गई है, क्या आपने उस रोबोट को मार दिया? बाबा कहते हैं, मेरे हमला करने से पहले वो रोबोट यहाँ से गायब हो गया। लेकिन वो रोबोट आखिर गया किधर? तभी डॉक्टर झटका कहते हैं, मुझे पता है वो रोबोट कहाँ गया है। डॉक्टर झटका बाबा से कहते हैं, वो रोबोट जरूर वापस से मेरे लैब में गया होगा। वो मेरे लैब में जाकर अपने जैसे कई सारे रोबोट को बनाने की कोशिश कर रहा होगा ताकि वो रोबोट बहुत सारे हो जाए और ये एक आरपीजी मिसाइल लॉन्चर उन सब का मिलकर कुछ नहीं कर पाए। बाबा कहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो उन रोबोट्स को हराना बहुत ही मुश्किल होगा। डॉक्टर झटका, हमें जल्दी तुम्हारे लैब पर चलना होगा। डॉक्टर झटका कहते हैं, ठीक है बाबा। सभी लोग डॉक्टर झटका की कार पर बैठते हैं। डॉक्टर झटका अपनी कार को लेकर अपने लैब की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली शॉन डॉक्टर झटका चीनू और बाबा डॉक्टर झटका की लैब पर पहुंचते हैं। वहां आकर उन लोगों ने देखा कि वो रोबोट कंप्यूटर से वहां कई सारे रोबोट्स को बुलाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर झटका बाबा से कहते हैं कि बाबा आप जल्दी से उस रोबोट को मार दीजिए इससे पहले वो रोबोट उस कंप्यूटर से कई सारे रोबोट्स को बुला ले। बाबा कहते हैं, डॉक्टर झटका तुम चिंता मत करो, जल्दी से गाड़ी नीचे उतारो। डॉक्टर झटका गाड़ी को नीचे उतारते हैं। सभी लोग गाड़ी से बाहर आते हैं। बाबा आरपीजी मिसाइल लॉन्चर को लेकर रोबोट के पास जाने लगते हैं। बाबा रोबोट से कहते हैं, ए रोबोट इधर देख। रोबोट बाबा की तरफ देखता है। बाबा कहते हैं, अब तेरा खात्मा आ चुका है, तुझे मरने से अब कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर वो रोबोट बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी बाबा आरपीजी मिसाइल लॉन्चर से रोबोट पे हमला करते हैं। मिसाइल सीधा जाकर रोबोट के ऊपर लगती है जिससे वो रोबोट वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। देखते ही देखते वो रोबोट चकनाचूर हो जाता है। रोबोट के मरते ही शहर में जितने भी एलियन ज़ॉम्बीज थे सारे के सारे खुद ब खुद मर जाते हैं और वो शहर वापस से नॉर्मल हो जाता है। गुल्ली बुल्ली शॉन चीनू बाबा और डॉक्टर झटका ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।
बाबा कहते हैं हम लोगों ने मिलकर इस रोबोट को मार दिया। गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा चीनू और डॉक्टर झटका बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। खुशी के मारे सभी लोग डांस करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें।